सुजानपुर मकान नंबर 51 कोयला नगर चौकी चकेरी थाना की घटना निषाद की पत्नी पिंकी निषाद उर्फ आलिया की शादी के 3 साल हो गए। नीरज निषाद की पत्नी पिंकी निषाद उर्फ आलिया 7 सितंबर को कानपुर से फतेहपुर अपने मायके गई। वहां पर वह 2 दिन रुककर वापस अपने घर कानपुर में आ रही थी, तभी रास्ते से लापता हो गई। पति नीरज निषाद ने अपनी पत्नी का लापता होने की प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहा था, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद वह फतेहपुर पुलिस से FIR के लिए गया, लेकिन वहां की पुलिस ने कानपुर भेज दिया तथा कानपुर की पुलिस के पास गए तो उन्होंने फिर फतेहपुर भेज दिया। हालांकि पति नीरज निषाद का कहना है कि बीच बचाव में वो अपने फोन से फोन कर रही थी और व्हाट्सएप वीडियो कॉल से अपने हाथों के कटे होने का निशान दिखा रही थी और तुरंत फोन ऑफ कर ले रही थी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। फोन आया था 26 तारीख को। क्या बोलती है फोन पे? वो कहती है हमें कोई बाबू बन गई, हमें बचा लो नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या लोकेशन एग्जिट बता पाती है किस जगह पे? नहीं बता पा रही है। वीडियो आपको भेज रहे हैं जी बार बार? हमारे सब फोटो हैं, सब कुछ है। तो आज आप दक्षिण प्रेस क्लब किस लिए आए हुए हैं? इसी अपनी समस्या को लेके आए हैं। तो हमने कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो हम यहाँ पे आए। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी यही हाथ जोड़ के वो कि हमारी वीडियो को ढूंढा जाए और हमारे तक ठीक पहुँचाया जाए। क्या नाम है आपका? नीरज निषाद। क्या समस्या? नीरज जी क्या हो गया आपके साथ, क्या समस्या हो गई? सस्ती को एप्लीकेशन थी और थाने में चार थाना चकेरी में दिया, फतेहपुर में दिया, हरगांव थाने में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कह रहे हैं कि नहीं। एप्लीकेशन नीरज जी आपने किस लिए दिया? हमारी ड्यूटी 9 तारीख को गायब हुई थी, अभी तक की हमारे पास नहीं आई और हमारा फोन कर दिया, हाथ काट कर वीडियो आते हैं और रोटी रोक दे कि हमको लोग बंद कर देते हैं। नहीं तो आपको क्या शंका है, कहाँ है बीबी, कहाँ के लिए? वो कभी दिल्ली कभी मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ के लोकेशन बताती है और वो युवती बहुत है हमारे पास जब फोन करती है। तो आप क्या क्या शक है आपको कि उसका अपहरण हुआ या किसी के साथ गई है? उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, वो बहुत परेशान है। अच्छा, क्या कारण है जो लड़की आपसे जो दूर गई या कोई किडनैप करके कुछ बात नहीं है? वो बहुत हो रही थी, हमारी खुद बहुत बुरी हालत है, सब जगह जा चुके हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। कहाँ जाते हैं?